अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, यानी ज़राअत की मालूमात। आज की जो हमारी वीडियो है वो हम अपने गंदम के खेत में आए हुए हैं। हमारे काफ़ी सारे काश्तकार परेशान हैं कि हमारी जो गंदम है ऊपर से पत्ते जो हैं वो मतलब जल रहे हैं, उनका इस तरह से जलसाव हो रहा है कि उनके रिकवरी बहुत मुश्किल है, मतलब सूख कर यानी गिरने के चांसेस हैं, इस तरह से हमें लगता है। तो आज हम यहाँ आए हैं, काफ़ी सारे हमारे जो पत्ते हैं वो पीले भी हो रहे हैं। हम गंदम के खेत में मौजूद हैं जहाँ पर ये सिचुएशन सारी मौजूद है। आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपकी ये जो सिचुएशन है ये क्यों है और इसको हमने ख़त्म करने के लिए क्या क्या करना है, ये हम आपको बताएंगे। तो मैं अपने काश्तकार भाइयों को बताता चलूँ, हमारे जो गंदम को ज़रूरत होती है वो तीन बड़े अनासर हैं। एक हो गया फॉस्फोरस, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरे नंबर पर आती है पोटाश। हमने इस खेत में जो है ना एक बोरी फी एकड़ DAP भी डाली हुई है, यानी फास्फोरस भी डाल दी है। इसके अलावा हमने दो बोरी नाइट्रोजन की भी डाली हुई है इस खेत में, बाकी हमारे काश्तकार के। तो उसके बावजूद भी इसके खेत का जो है ना ऊपर वाला पत्ता जो है वो पीला है। तो ये क्यों पीला है? हमारा पौधा सही तरीके से खुराक या नहीं ले रहा, या कोई और वजूहत है जिससे इसका पत्ता पीला है? तो मैं अपने काश्तकार भाई को बताता चलूँ, एक तो आप इस तरह के अपने खेत में पोटाश का इस्तेमाल करें ताकि आपका जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पोटाश हमारा बड़े अनासर में शामिल है। अगर आपने DAP और नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लिया है तो उसके बाद आपने पोटाश का इस्तेमाल करना है। चूँकि हमारी ये जो फसल है ये तकरीबन 60 से 70 दिन के करीब हो चुकी है, तो इस टाइम ये बेस्ट टाइम आप इसमें पोटाश का इस्तेमाल कर दें इस पानी में। इसके अलावा अगर उसके बावजूद भी आपकी जो गंदम है उसका पत्ता पीला रह जाता है, जैसे ये मैं आप अपने काश्तकार भाई को दिखाऊं, ये हमारा पत्ता कटा हुआ भी है और ये देखें ये पीला है। तो इसके बावजूद अगर आप पोटाश भी डालते हैं उसके डालने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप देखें आप अपनी फसल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं डाली हुई। क्योंकि हमारे चूँकि अक्सर जो खेत हैं वहाँ पर आजकल जो हमारी आबपाशी है वो बाजरिया ट्यूबवेल के ज़रिए होती है, हमारे पास नहरी पानी मैसर नहीं है, काफ़ी हद तक ये मसाइल हैं। तो हमारे खेतों में जिंक की भी काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है, सल्फ़र की भी काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है। अगर आपने पोटाश डाल दिया है तो वो उसमें सल्फ़र मौजूद होता है, आपकी सल्फ़र की मकदार तो पूरी हो जाएगी। अगर उसके बावजूद आपका पत्ता पीला है, आपकी फसल या ग्रोथ नहीं कर रही या कोई और मसला आ रहा है, तो आप ऐसी एप्लीकेशन को देखें जो आपने इस्तेमाल नहीं की हुई है अपने खेत के अंदर। अगर आपने जिंक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो वो इस्तेमाल करें, अगर आपने पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो वो इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी ने रोका है कि आप यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम करें तो थोड़ा सा आप उसको बढ़ा दें यार, मतलब अपनी फसल को अच्छा करने के लिए आप नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल कर दें। आप इन 4-5 चीज़ों का जब अप्लाई करेंगे, हाँ हमारे पास छोटे नासर में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें हमारे पास अमीनो एसिड भी आ जाता है, ह्यूमिक एसिड भी आ जाती है, उसमें हमारा हो गया जिंक भी आ जाती है उसके अंदर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते चलूँ जिनका इस्तेमाल हमारे पौधे के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल हमारी ज़मीनों में वो खुराकें ख़त्म हो चुकी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से देनी पड़ेगी अपने पौधों को ताकि हम अच्छी से अच्छी पैदावार अपने खेत से हासिल कर सकें। तो आप देखें अगर आपका पत्ता इस तरह से है आपके पौधे का, अगर वो सही नहीं हो रहा तो आप क्या करें, उसमें पोटाश का इस्तेमाल करें, उसके बावजूद नहीं हो रहा जिंक का इस्तेमाल करें, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो सल्फ़र का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी फसल जो है ना वो बेहतर से बेहतर हो जाएगी। और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से ये नहीं है कि सिर्फ आपका खर्चा बढ़ा है बल्कि आपकी पैदावार में भी खातिर खा इजाफा होगा। शुक्रिया।